एक चिड़िया की इन 6 बातों को आपने याद कर लिया तो आप कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। मानपुर देश में एक ब्रह्मा दत्त नाम के राजा हुए थे, जिनके महल में एक पूजनीय नाम की चिड़िया रहती थी, जो राजा ब्रह्मा दत्त के प्रेम स्नेह के कारण उनकी सहेचरी बन गई थी। राजा के महल में ही चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था। एक दिन राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी समय चिड़िया ने भी एक अंडा रखा, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। वह चिड़िया अपने बच्चे से और राजा के बच्चे से समान प्रेम करती थी। वह रोजाना घूमने जाती थी तो हमेशा 2 फल लाया करती थी, एक फल अपने बच्चे के लिए और एक फल राजा के बच्चे के लिए, जिससे वे दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, जब चिड़िया कहीं बाहर घूमने गई तो राजकुमार की धाय उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के बच्चे को उससे खिलाने लगी। हुआ यह कि राजा के बेटे से चिड़िया के बच्चे की कसकर पकड़ने के कारण मृत्यु हो गई। रोज की तरह जब चिड़िया लौट कर आई और उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह चिड़िया अपने बच्चों के गम में बहुत विलाप करने लगी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। गुस्से में चिड़िया ने राजा से कहा, अरे नराधर्म, तूने मेरे बच्चे को अपने बच्चों से खिंचवा कर मरवा दिया। तू तो सनातन धर्म को जानने वाला है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आए हुए की, भूख से व्याकुल की, शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की और लंबे समय से अपने घर में रहने वाले की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वो निसंदेह कुंभी पाक नरक में पड़ता है। दर्शकों, इतना कहकर चिड़िया ने राजा के बेटे की अपने पंजों से दोनों आंखें फोड़ डाली और आकाश में उड़ गई। अपने पुत्र को दोनों आंखों से अंधा देखकर चिड़िया के किए पर राजा को क्रोध तो बहुत आया, परंतु वो ये सोचकर अपने क्रोध को दबा गया कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा हुआ है, पर उसने तो अपना बच्चा खोया है। राजा क्रोध को शांत कर चिड़िया से कहने लगा, हे भीरू, तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है। अब शोक को त्याग कर पहले की भांति हमारे घर में आकर के रहो। मैं चाहता हूं कि हमारा तुम्हारा प्रेम फिर से सदा बना रहे। दर्शकों, राजा के इस तरह बुलाने पर चिड़िया कहने लगी है, महाराज, मैं अपने सामान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूं। तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधिनी हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। कहते हैं, खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे बंधु बांधव, खोटे पुत्र, खोटे भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि राजन, खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, खोटी भार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता और खोटे राजा से न्याय की आस नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे किया जा सकता है? कुदेश में जीना भी संभव नहीं है और खोटे राजा से सदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख ही मिलता है। जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्बल मनुष्य की तरह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास कभी ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर तथा वर्णसंकर जाति के लोगों पर विश्वास करता है वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं, मनुष्य बार बार के बैर होने के भय से शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, अग्नि को और ऋण को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो ये फिर इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं, इसलिए इनके शेष को भी शेष नहीं रहने दिया जाना चाहिए। एक बात और, अगर शत्रु एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है तो वह अपने पिछले बैर को याद करता रहता है,
दर्शकों शत्रु के साथ संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छुपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाए जैसे मृग बहेलिए के पास नहीं जाता है। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए। जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूं, ऐसा विश्वास ना करें। जो मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है वह कभी भी अपने जीवन में शत्रु से चोट नहीं खा सकता। इतना कहकर वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चिड़िया की